नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अन्नपूर्णा किचन में स्वागत है। आज मैं आपके साथ पिज्जा की रेसिपी, चीज पनीर पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पिज्जा के लिए जो लगने वाला है, एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, वन स्पून शुगर, हाफ स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ स्पून बेकिंग सोडा, स्वादानुसार नमक, अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो ऑरिगेनो डालो, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं और थोड़ा काली मिर्च पाउडर, इससे वो बेस का टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और 1/4 कप दही, इन सभी को भी अच्छे से मिला लेना है। गेहूं के आटे से भी हम लोग बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर जल्दी ही करने वाली हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए लगता है, तो ये हम बनाकर उनको दे सकते हैं, अच्छा बनता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। तीन से चार चम्मच इसको लगभग लग जाएगा पानी, उतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको 4 से 5 चम्मच अभी पानी लग गया है। अभी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से मल के एक बाउल में 10 मिनट तक रख देना है। अभी इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अभी 10 से 15 मिनट दोस्तों इसका हो चुका है। अभी थोड़ा सा घी हाथों में लेके और इसको अच्छे से मसलना है। इसको जितना अच्छे से मलेंगे उतना वो पिज्ज़ा अपना स्पॉन्जी बनेगा। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही मलना है अच्छे से। अभी उतने आटे से मैंने 3 लोइयां किए। हमें जितना बड़ा चाहिए पिज़्ज़ा उस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, तो मेरी तो जो प्लेट है वो थोड़ी छोटी है, इसके लिए मैंने इसकी 3 लोइयां। हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, इसके लिए मैंने इधर कढ़ाई में नमक डाला है और उसके ऊपर ये रख कर मैं इसे इसके ऊपर रखने वाली हूँ और इस पर ढक्कन रखने वाली हूँ। तो इसको मैंने कम, अभी इसको मैं कम फुल मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी होता है बना के उसको ढककर रख दूँगी, तब तक ये हीट हो जाएगा अच्छे से। तो इसको जब तक तैयार होता तब तक हीट होने देंगे कढ़ाई को। तो ये हमारी, इसके लिए मकई का आटा होता है ना, वो भी अच्छा होता है, वो अगर नीचे डालेंगे ना तो उसका क्रिस्पीनेस अच्छा, नीचे से वो अच्छा हो जाता है, पर मेरे पास अभी मकई का आटा नहीं, इसके लिए मैं ये मैदा ही डाल रही हूँ। इसको भी हाथ से ऐसे फैलाना है। हमारी डिश जितनी बड़ी होती है उस हिसाब से इसको हाथ से ऐसे फैला लेना है। ये देखिए जितनी हमारी प्लेट है उतना इसको हाथ से कर लेना है। और बाद में जो प्लेट हम लेने वाले हैं उसको थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हमारे पास ओवन में तो ये स्टील के इसमें चिपकने की ज़्यादा संभावना होती है, इसके लिए इसको अच्छे से बटर या घी से या ऑयल से किसी भी चीज़ से अच्छे से ग्रेस कर लेना है, थोड़ा अच्छा इसको ये लगा लेना है, तो ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से निकल भी जाएगा। बाद में इस प्लेट पे इसको रखना है। जितना अपना ये प्लेट है उतना उसको अच्छे से रख देना है। बाद में ये इसको पिज्जा में जैसे होता है वैसे फोक से ये कर लेना है, इससे वो फूलता नहीं है और अच्छा उसको क्रंचीनेस नीचे आ जाता है। जो ये पिज्ज़ा सॉस है वो उस पर लगाना है। ये बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। बाद में इसमें इस पर थोड़ा सा मीरे का पाउडर डालना है। बाद में मेरे पास ये
शिमला मिर्चे येलो कलर की है, अपने पास जो हो आपके पास घर में अवेलेबल वो हम डाल सकते, पर मेरे पास है रेड येलो और ग्रीन तीनों प्रकार की है, तो वो मैं रेड येलो और ग्रीन तीनों प्रकार की शिमला मिर्च इस पे डालने वाली हूँ। अभी टमाटर भी थोड़ा डाल देना है और बाद में प्याज, हमें जो पसंद है वो हम इसमें डाल सकते हैं। और बाद में ये जो पनीर है इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और थोड़ा सा ऑयल से फ्राई कर लिया है, उसको तल लिया है थोड़ा, उसको भी हमें जितना पसंद है वैसे डाल के और डाल देना है। पनीर पर मैंने थोड़ा काला नमक और नमक चाट मसाला वो थोड़ा सा डाल लिया है। अब ये मोजरेला चीज़ है, पिज्ज़ा का चीज़ है, इसको हमें जिस प्रकार से चाहिए वैसा जितना चाहिए उतना हम डाल सकते हैं। ये पिज्ज़ा का चीज़ होता है ना, तो वो पिज्ज़ा में अच्छा लगता है। हम दूसरा नॉर्मल वाला चीज़ भी डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं पिज़्ज़ा का चीज़ इसमें डालती हूँ। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हैं, या भी चिली फ्लेक्स डालती हूँ मैं और मिरे का पाउडर डालती हूँ। अभी हमारा जो प्रीहीट करने के लिए रखा है ये अच्छे से ये गर्म हो चुका है, इस पे अभी हम 15 मिनट तक रख दें। और सबसे मेन बात है इसमें, अगर ये जल्दी से निकलना चाहिए अपना 15 मिनट में अच्छे से, तो साइड से थोड़ा सा इसमें घी या बटर डाल देंगे तो वो जल्दी से साइड साइड से डालेंगे तो वो जल्दी से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। अभी 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए रखना है। अभी 15 से 20 मिनट इसका रखकर मेरा हो चुका है। अरे वाह, बहुत ही अच्छा बना है, पर इसको अभी मैं कम से कम 5 मिनट, 5 से 10 मिनट और रखूंगी। अभी पहले मैंने 15 मिनट रखा था और बाद में 10 मिनट रखा था। 20 से 25 मिनट में ये पिज्ज़ा हमारा अभी फुल रेडी हो चुका है। देखिए ये पूरा जो चीज़ था वो भी मेल्ट हो गया है और पिज्ज़ा रेडी हो चुका है। देखिए अभी गैस में बंद कर देती हूँ। दूसरी जगह पर मैंने तवे पे वही सेम प्रोसेस करके तवे पे मैंने ये पिज्ज़ा रखा है। तवे को मैंने पहले हीट कर लिया था और बाद में तवे में इसको, देखिए तवे में ये पिज्ज़ा मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है, सेम प्रोसेस करके मैंने तवे पे भी इसको रख दिया। अभी ये हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना यम्मी लग रहा है पिज्जा बनकर। हमारा पिज्जा भी 15 से 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट लगा इसको, रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना यम्मी लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट में खाना आप लोग भूल ही जाएंगे, डोमिनोज में। घर पे हम लोग आसानी से ये बना सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। आप जरूर इसको बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, धन्यवाद।